पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। नमस्कार, मैं प्रियंका आर्य, आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने दिल्ली का मौसम काफी सुहाना कर दिया है, लेकिन उसके बाद जगह जगह हुई वाटर लॉकिंग ने लोगों को परेशान भी कर दिया है। एक तरफ गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, तो वहीं पैदल राहगीरी सड़क पर खड़े ये सोच रहे हैं कि सड़क पर बने इस तालाब में कैसे। आपको बता दें कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हर तरफ पानी भर गया है। ये हालात तब है जब एमसीडी ने इस बार जलभराव से निपटने के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी, और दावा किया जा रहा था कि दिल्ली के लोगों को इस मॉनसून में जलभराव की समस्या से राहत मिल जाएगी। लेकिन घंटे भर की बारिश ने सिविक एजेंसियों की पोल खोल दी। इस बारिश में दिल्ली के कई इलाके एक बार फिर पानी से जलमग्न हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि दिल्ली की सड़कें बारिश के कारण दरिया में तब्दील हो गई है, जिस कारण दिल्ली की रफ्तार धीमी हो गई है। दरिया बनी दिल्ली को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली को झीलों का शहर बनाना चाहते थे, इसलिए दिल्ली में हर तरफ आज पानी ही पानी है, बस मुख्यमंत्री अब चलाने के लिए नाव दे दे। वहीं कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के उस दावों का भी मौखाल उड़ाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेंटो ब्रिज अब कभी नहीं डूबेगा, जबकि हकीकत में एक बार फिर से मेंटो ब्रिज पानी में डूब गया है। बता दें कि दिल्ली में अगले 2 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है, और मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बावजूद इसके सिविक एजेंसियां इसके लिए तैयारियां नहीं कर पाई है, जिससे उनकी लापरवाही उजागर होकर लोगों के सामने आ रही है। गौरतलब है कि G20 समिट की तैयारियों को लेकर जगह जगह काम चल रहा है, और इस वजह से की गई खुदाई लोगों के लिए घातक बन गई है। उसमें भरे पानी से लोगों को गड्ढा पता नहीं चल रहा है और वे हादसे का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी। अब इस बारिश के कारण जगह जगह मेन होल के ढक्कन हटा दिए गए हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी दिल्ली में 2 दिन तक बारिश हो सकती है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहे एमजी मीडिया न्यूज।